ज़रा सोचिए, अगर ट्रू डिटेक्टिव या डेक्स्टर जैसे टीवी शोज़ को 1.5 घंटे की एक फिल्म में बनाया गया होता तो क्या होता? क्या उसका वही इम्पैक्ट होता? ब्रिटिश डायरेक्टर डेविड रेमंड की फिल्म नाइट हंटर के साथ यही किया गया है। इसकी स्क्रिप्ट 10 एपिसोड के टीवी शो के लिए ज़्यादा सुटेबल थी, पर इसे सिर्फ 99 मिनट्स की एक फिल्म में बना दिया गया। नाइट हंटर की कहानी एक सीरियल रेपिस्ट और मर्डरर को ढूंढने की है, जो बहुत सालों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हेनरी केविल, जो कि सुपरमैन के रोल के लिए जाने जाते हैं, पुलिस डिटेक्टिव बने हैं, जिनका साथ दे रही हैं अलेक्जेंड्रा डडारियो एज अ साइकोलॉजिकल प्रोफाइलर। फिल्म की यह कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकती थी, पर डायरेक्टर ने फिल्म में कुछ ज़्यादा ही एलिमेंट्स डाल दिए हैं। इसकी वजह से फिल्म अपनी टोन डिसाइड नहीं कर पाती। बहुत से प्लॉट शुरू तो होते हैं पर आगे कहीं नहीं जा पाते। खासतौर से बेन किंग्सली का रोल वेस्ट किया गया है। डायरेक्टर उनके कैरेक्टर को कुछ देर बाद ही भूल जाते हैं। ये दुख की बात है, क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन ने एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट लिया था। इसी तरह स्टैनली चुची को भी वेस्ट किया गया है। फिल्म 100 मिनट से भी कम टाइम में इतना कुछ कहने की कोशिश करती है कि कुछ भी ढंग से नहीं कह पाती। एक्टिंग की बात करें तो कमज़ोर स्क्रीन प्ले की वजह से कोई भी एक्टर प्रभावित नहीं कर पाता। सबसे कमज़ोर रोल दिया गया है अलेक्जेंड्रा डडारियो को, जो कि अपनी लिमिटेड एक्टिंग की वजह से कभी भी कैरेक्टर में फिट नहीं हो पाती। फिल्म प्रेडिक्टेबल एंडिंग से नहीं बच पाती और आपको एंड देखकर लगता है जैसे कि आप कोई बॉलीवुड फिल्म देख रहे हों। फिल्म टेक्निकल ग्राउंड्स पे अच्छी साबित हुई है, जैसे कि उसकी सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग और साउंड ट्रैक। ये फिल्म काफ़ी कुछ हो सकती थी, पर डायरेक्टर ने फिल्म में बहुत सी गलतियाँ करी हैं, जिसका ओवरऑल रिजल्ट एक एवरेज फिल्म है। हिंदी फैक्ट्री की तरफ से फिल्म की रेटिंग है 2 stars out of 5.